देखिए, निश्चित तौर पर अभिलाषा आपने काफ़ी अच्छी बातें की, और जो पारसा साहब और गोविंद पंजी ने कहा उनसे एसोसिएट कर रहा हूं मैं अपने आप को। यहां पर महत्वपूर्ण ये है कि आरएसएस को अब खुलकर के होना चाहिए। जब भी इन्होंने शायद 1925 में इनकी स्थापना हुई थी, 90-91 साल हो गए हैं जी। आज की डेट में इन्हें ये जरूर बताना चाहिए कि ये कल्चरल से ज़्यादा राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अगर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती तो जिस तरीके से इन्होंने राजनीतिक टीका टिप्पणियां महात्मा गांधी से लेकर के और आज दशहरे की रैली तक की हैं, वो अपने आप में राजनीतिक टिप्पणियों की जगह सामाजिक टिप्पणियां होती जी। लेकिन ये इनका अपना मामला है, हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं। और इसके बाद एक चीज अपने आप में और भी सच है कि कहीं ना कहीं सारे के सारे आरएसएस के पूर्णकालिकों में से ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता निकलते हैं और आरएसएस उन्हें राजनीति क्षेत्र में जाने की अनुमति देता है। ये आरएसएस अपने आप में राजनीतिक रूप से अधिकृत भी करता है और उनका बाकायदा इसका प्रपत्र है और ये सारी चीजें सब लोग मानते हैं। और, तो उसके और दो कैसे बड़े वाले कह सकते नेता हैं? और मंत्री भी दिख गए, मुख्यमंत्री फडणवीस भी थे वहां पर, नितिन गडकरी जी भी थे, तो आपकी बात का भी समर्थन हो जाता है। ये तो कम है जी, ये तो कम है। ये तो अगर भागवत जी चाहते तो आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी नागपुर में दशहरे का मना रहे होते, लेकिन चूंकि इन्होंने वहां से अनुमति दी है नागपुर से कि साहब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए मोदी जी आप जाइए, वहां की रामलीला में जाइए और वहां की रामलीला में जाइएगा, मुहर्रम के मातम में मत शरीक होने जाइएगा, ये भी कहकर के भेजा है इन्होंने।